कहती हूँ कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। खाना मैं ये तो नहीं जानता कि आज तुम घोषणा क्या करने वाले हो, किंतु इतना मैं अवश्य समझ गया हूं कि इस घोषणा की डोर द्वारका के अंत से ही जुड़ी। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं इस घोषणा में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जब तक द्वारका का अंत नहीं आ जाता, तब तक, जब तक संभव हो सके तब तक मैं अपने वचन को अवश्य निभाऊंगा, और इसके लिए मुझे जरा को ढूंढने जाना होगा। कल इससे पूर्व कि वो शाम की भांति अन्य किसी और को भी आहत कर दे, मुझे इसे ढूंढना ही होगा, मुझे अपने धर्म का पालन करना ही होगा। कल उचित कह रहे हैं आप, अपना धर्म तो निभाना चाहिए। बस ठीक एक पैर प्रसाद मुझसे मिलेगा, मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी। एक पैर प्रसाद क्यों का ना, यदि कुछ आवश्यक कार्य है तो अभी कहो, अभी बता दो। मैं एक पैर पश्चात बताऊंगा ना, अब आई एक पैर क्या, एक क्षण के लिए आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता मैं। दुर्दय को चीर देने वाली बात अंत के समय तक बेहतर ही रहे तो उचित है। प्रतीत होता है कि ये तुम्हें बंदी बनाने के लिए आया है। जरा शाम पर वार करना कोई साधारण बात थोड़ी है। न मुझे दंड का भय है और ना ही शाम पर वार करने का कोई खेद, परंतु यदि मैं श्री कृष्ण को कोई उपहार नहीं दे पाया तो मैं जीवन भर कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। वो मृग में श्री कृष्ण को अवश्य उपहार के रूप में भेंट करूंगा। तब तक तुम लोग श्री बलराम को यहाँ रोको, मैं उस मृग की आखेट के लिए निकलता हूँ। हमें बलराम दाऊ को कोई क्षति नहीं पहुंचानी, केवल और केवल उन्हें जरा तक पहुंचने से रोकना है, समझे? हाँ। जरा कहाँ है? हमारे होते हुए आप जरा तक कभी नहीं पहुंच सकते। तुम लोगों की मति मारी गई है या दृष्टि में कोई खोट आ गया है? समझ आ रहा है किससे बात कर रहे हो तुम? हटो मेरे मार्ग से। हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, रोको मुझे, देखता हूँ कैसे रोकते। अभी भी समय है, हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं हटेंगे। राजवैद्य से कहना कि तुम दोनों को मैंने भेजा है, तुम्हारी चिकित्सा निःशुल्क हो जाएगी। आज हम सभी यहाँ एक परिवार के रूप में सम्मिलित हुए हैं, और आप सबको इस प्रकार मेरे समक्ष देख मेरा ही हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण हो चुका है। ऐसी प्रसन्नता है मेरे हृदय में कि शब्दों में उसे व्यक्त मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उचित यही होगा कि हम सीधे उस महत्वपूर्ण घोषणा की ओर बढ़ें जिसके लिए मैंने आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि यदुकुल का हर एक पुरुष प्रभा क्षेत्र में तीर्थ के लिए प्रस्थान कर जाए। उस प्रेम को जागृत करें जो आप सबके हृदय में है, वो प्रेम जो एक दूसरे के प्रति है। और ये द्वारकाधीश का आदेश नहीं है, ये द्वारकाधीश की विनती है आप सबसे। कृपा करके
इस विनती का सम्मान करें। नहीं पिताश्री, आप इस प्रकार विनती मत कीजिए, हमें लज्जित मत कीजिए। आप तो केवल आदेश दीजिए पिताश्री, आप जो चाहते हैं हम वही करेंगे। उत्तम पुत्र प्रद्युमन, इसे तो केवल पिताश्री की हाँ में हाँ ही मिलाना होता है। क्या आवश्यकता थी इसे उत्तर देने की? ये तीर्थ मेरा समय व्यर्थ कर देगा। प्रस्थान करने से पूर्व मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अब सभी से भेंट करूँ, आपको कुछ पुष्प भेंट करूँ और कुछ इस प्रकार तीर्थ को प्रस्थान करने से पूर्व मैं आपको विदा करूँ। तुम्हारा संकेत मैं समझ गई हूँ कृष्ण, यही कहना चाहते हो ना कि द्वारका का अंत निकट है। जी को इससे पूर्व इतना व्यथित मैंने कभी नहीं देखा। अवश्य कोई बात है जो भीतर ही भीतर उन्हें पीड़ा पहुंचा रही है। उनके मुख पर प्रसन्नता तो है किंतु आंखों में यह पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही। पिताश्री अवश्य किसी बात से व्यथित है। महादेव जी, इस परिवार का हृदय, सारा परिवार सुखी रहेगा तो देवर जी भी प्रसन्न रहेंगे। इस परिवार के सारे दुखों को शीघ्र ही टाल दीजिए। आनंद के अश्रु हैं। आज समस्त परिवार को एक साथ देखा तो सभी वो सुख के क्षण जो हमने साथ में बिताए हैं, वो प्रेम जो हम सभी के हृदय में एक दूसरे के लिए था, सब स्मरण आ गया और मन में इतना आनंद आ गया कि मैं उस आनंद को मन में रोक ही नहीं पा रहा, तो नेत्रों से ये आनंद बाहर जा रहा है। भाभी शांत हो जाइए, आप क्यों विलाप कर रही हैं? देखिए सब साथ हैं, कितना आनंद का क्षण है। मुझे आज्ञा दीजिए, रुक्मिणी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, उससे भेंट करके आता हूँ। यदुकुल से तो विदा ले ली कृष्ण, किंतु अब तुम्हारे हृदय के दो अभिन्न अंग दाऊ और रुक्मिणी, उनसे विदा लेना शेष है। विधि के विधान का किसी को ज्ञात तो नहीं है, किंतु किंतु दाऊ और रुक्मिणी से क्या छिपा है? उनकी पीड़ा कैसे देख पाओगे तुम? जब तुम उनसे अंतिम बार भेंट करने जाओगे तो उन्हें तो ज्ञात हो ही जाएगा ना कृष्ण कि वो तुम्हारी अंतिम भेंट है।